डिबेंचर शेयर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के अंदर डिबेंचर की एक एंट्री आती है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको एक आसान ट्रिक से समझा रहा हूँ। डिबेंचर एक हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर की जो पार वैल्यू होती है वो 100 रुपये। क्या होती है? 100 रुपये। डिबेंचर पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर पब्लिक को इशू करती है और फिर पब्लिक जो है वो कंपनी को पैसा देती है। अब लेट सपोज डिबेंचर को हमने इशू किया। पहले इशू का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इशू का मतलब पब्लिक को दिया। अब फॉर एग्जांपल 2000 डिबेंचर हमने पब्लिक को दिए एट द रेट 100 रुपये में। ठीक है, 2000 डिबेंचर हमने पब्लिक को दिए 100 रुपये में, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट होगा। अब कंपनी के पास पैसा आया 2000 इंटू 100 और डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? पॉइंट क्लियर है? अगर लेट सपोज हमने पब्लिक को ऑफर किए 2000 डिबेंचर एट द रेट 95। अब डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है? 100। लेकिन हम इशू कितने में कर रहे हैं बेटा? तो बैंक डेबिट होगा क्योंकि पैसा अब कम आएगा। 2000 इंटू 95 और 5 रुपये का हो जाएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। क्या हो जाएगा? मतलब एक तरीके से हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? 2000 इंटू 5 और डिबेंचर पेएबल क्रेडिट कितने से होगा? 100 रुपये से। ऑलवेज क्रेडिट विथ पार वैल्यू 2000 इंटू 100। समझ आ गए यहाँ तक? पॉइंट क्लियर है? अब लेट सपोज ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमने 2000 जो डिबेंचर है वो एट द रेट 105 में इशू किया। पॉसिबल हो सकता है, कंपनी का नाम अच्छा है, बैंक में पैसे आए, इस डिबेंचर की डिमांड अच्छी है, बैंक डेबिट 2000 इंटू 105। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? डिबेंचर पेबल ऑलवेज क्रेडिट विथ पार वैल्यू 2000 इंटू 100। और जो 5 रुपये ज़्यादा है वो अब हमारी लाइबिलिटी होगी, उसका नाम है प्रीमियम ऑन डिबेंचर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2000 इंटू 5। यहाँ तक कोई मसला? अब हम आते हैं, अब ये तो इशू हो गया। अब जाहिर सी बात है पब्लिक से पैसा लिया तो 5 साल या 10 साल एक टाइम के बाद वापस भी तो करना है ना पब्लिक को। पब्लिक को रिडीम का मतलब देना है। क्या होता है रिडीम का मतलब? देना है, वापस करने पैसे। अब लेट सपोज जो मैं रिडीम करूँगा यानी कि रीपेबल करूँगा मैं पब्लिक को, वो 110 रुपये में करूँगा। कितने में करूँगा? 110। अब पार वैल्यू कितनी है? 100। वापस कितने में कर रहा हूँ? 110। तो देखा जाए तो कंपनी को लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 10। तो लॉस हमेशा क्या होता है? लॉस ऑन डिबेंचर क्या होता है? डेबिट होता है। लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस की नेचर क्या है? डेबिट। लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट। अच्छा, ये लॉस अभी हुआ नहीं है, आफ्टर 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, तो 5 ईयर के बाद होगा, तो ये एक लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा जिसका नाम है प्रीमियम ऑन डिबेंचर। समझ आया? Yes. अब मैं एक एंट्री करवाता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। लेट सपोज ये देखें, कंपनी ने 2000 डिबेंचर 100 रुपये के लेकिन इशू कितने में किए? 95। और रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर कितने में करेगा? 105। अब पहले इशू को देखते हैं। पहले किसको देखते हैं? Issue. बैंक में पैसे आएंगे 2000 डिबेंचर इंटू 95, 5 रुपये कम दिए तो क्या कहलाएगा वो? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 2000 इंटू 5। एक लाइन छोड़ देना क्योंकि कंपाउंड एंट्री बनती है। और डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा 2000 इंटू 100। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। अब वापस कितने में करूँगा बेटा? 100। तो पार वैल्यू 100 है। पार वैल्यू से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? पार वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू में कितना फ़र्क है? 5 रुपये का। तो एक तरीके का मुझे लॉस हुआ। ये लाइन इसीलिए छोड़ी थी, लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट 2000 इंटू 5। अच्छा, ये लॉस अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर का लॉस है, तो एक लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा, उसका नाम क्या है? प्रीमियम ऑन डिबेंचर 2000 इंटू 5। अब एक और एंट्री भी देख लेते हैं ताकि और अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए। अब लेट सपोज ये रहा इशू 420%। 20% अब इंटरेस्ट का रेट है, तो इसका हम करेंगे कुछ नहीं, एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होगा। 20% डिबेंचर 100 रुपये का लेकिन दिए कितने में? 90। अब रीपेबल को रुकना,
सबसे पहले डिबेंचर की एंट्री बनाते हैं, पैसा आया बैंक डेबिट, कितने डिबेंचर हैं 400, कितने डिबेंचर हैं 400, कितने में दे रहे हैं 100 रुपये की जगह 98, तो 400 × 98 और 2 रुपये का क्या हो जाएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 400 × 2, एक लाइन छोड़ देना, और डिबेंचर पेबल क्रेडिट 400 × 100, और ये जो 20% था वो यहाँ पे लिख देना इंटरेस्ट का। अब यहाँ तक समझ आ गया, अब ये इशू हो गया, अब वापस कितने में करूँगा बेटा, पार वैल्यू और इसमें कितना फ़र्क है 10 रुपये का, 10 रुपये का मुझे लॉस हुआ, तो ये लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, समझ आया 400 × 10, लेकिन ये लॉस अभी हुआ नहीं है फ्यूचर में, तो ये लाइब्रेरी रिकॉर्ड कहाँ पे होगी प्रीमियम, आ गया समझ में इंट्री कॉन्सेप्ट, दैट्स इट।